सो हे गाइस, दिस इज सैम और स्वागत है आप सभी का काफ़ी दिनों के बाद मेरे चैनल में। तो देखो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एपिक्स लेजेंड्स मोबाइल के बारे में। और यहाँ पे जैसे कि आप सभी को रिसेंटली पता ही रहेगा कि एपिक्स लेजेंड्स रिलीज़ हो चुका है निंटेंडो स्विच के लिए। और अगर आपको वो पता नहीं था तो यार आपको पता चल चुका है। तो यहाँ पे आज के वीडियो में मैं आपको कोई गेम प्ले वगैरह नहीं दिखाने वाला क्योंकि मेरे पास निंटेंडो स्विच है ही नहीं। सैड लाइफ ओपी। बल्कि हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एपिक्स लेजेंड्स मोबाइल से। क्या बोला? सॉरी, आप तो उसका नाम एपिक्स हीरोज रहने वाला है ऐसा मुझे सुनने में आया था। हाँ, तो जो निंटेंडो पे जो गेम रिलीज हो चुके हैं तो यहाँ पे सब लोगों का वही कैसे कि यार स्विच के गेम्स और एंड्रॉइड के गेम्स थोड़े से सिमिलर रहते हैं। और यहाँ पे स्विच पे एपिक्स लेजेंड्स ने मतलब बहुत कमाल की तबाही मचा दी है। यहाँ पे गेम प्ले और मैकेनिक्स की बात करें तो यार मतलब डिट्टो वो पीसी वाले दिखते हैं हमें, लेकिन डिफरेंस जो आता है वो हमें बस ग्राफिक्स और टेक्सचर्स में देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपने भी अगर एपिक्स लेजेंड्स का निंटेंडो स्विच वाला गेम प्ले देखा रहेगा तो आप लोगों ने उसमें नोटिस किया रहेगा कि जो ग्रास और जो माउंटेन्स के टेक्सचर्स है वो थोड़े फेंट है। और वो सब सारी चीज़ें तो ऑब्वियस है क्योंकि यार जब भी कोई पीसी वाली गेम मोबाइल के लिए बनाई जाती है तो ऑफकोर्स हमें ग्राफिक्स में थोड़े चेंजेस देखने को मिलते हैं ताकि हमारा मोबाइल डिवाइस उस ग्राफिक्स को हैंडल कर पाए। तो अगर आप बस उन टाइप में से हो कि जिनको बस गेम प्ले से मतलब यार ग्राफिक्स वगैरह गए भाड़ में, तो यार एपिक्स हीरोज तो यार आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाले। बस यहाँ पे जो अभी एपिक्स लेजेंड्स स्विच पे रिलीज हुआ है ना, तो उसके जो कंट्रोल्स देख के यार मैं भी थोड़ा हैरान हूँ कि यार मतलब मोबाइल में इतने सारे कंट्रोल्स हम कैसे कर पाएंगे। हालांकि ये उसी काम में लगा कि जितने सिंपल कंट्रोल्स करके दे हमें उतने सिंपल करने की वो कोशिश कर रहा है। लेकिन यार थोड़ी देर के लिए आप भी सोच के देखो यार, मतलब पीसी और स्विच का तो आपने कंट्रोल्स देखे ही रहेंगे और मोबाइल पे उसको रेप्लिकेट करना मतलब वो तो गेम रिलीज होने के बाद ही हमें पता चलने वाला है कि कैसे कंट्रोल्स रहने वाले। क्या पता इस गेम में हमें 10 finger clock खेलना पड़े या फिर कुछ भी हो सकता है। मस्त प्लान है। लेकिन यहाँ पे एक चीज तो माननी पड़ेगी यार कि एपिक्स हीरोज लॉन्च होने के बाद मतलब आपको भी पता है बहुत कमाल की तबाही मचाने वाली। हालांकि मेन ऑफिशियल लॉन्च के लिए इसको अभी भी टाइम है, लेकिन जैसे ही बीटा लॉन्च होगा ना तो यार इसके बीटा बहुत जल्दी फील होने वाले। और यहाँ पे ईए ने तो यार मतलब बहुत गजब का काम किया है क्योंकि अगर आपने देखा ही रहेगा पबजी पीसी और पबजी मोबाइल में जमीन आसमान का अंतर रहता था। और यहाँ पे सिमिलरली मैंने स्विच के लिए भी यही एक्सपेक्ट किया था कि जो यहाँ पे हमारा जो गेम के मैकेनिक्स और गेम प्ले रहेगा उसमें थोड़ा हमें डिफरेंस देखने को मिले। लेकिन नहीं यार, अभी फिलहाल के लिए तो मुझे उतना कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिला गेम प्ले और गेम मैकेनिक्स के इसमें। तो बस यही सारी चीजें थी जो कि हम एपिक्स लेजेंड्स मोबाइल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मुझे पता है यार ये हमें डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करने वाली। यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप मुझे आपका एक्सपीरियंस बताओ कि आपको स्विच गेम प्ले कैसा लगा। और रही बात यार मेरे वीडियोस अपलोड करने की यार, तो देखो अभी भी मेरे एग्जाम्स खत्म नहीं हुए, लेकिन जब बाद आए एपिक्स लेजेंड्स के यार तो मतलब सब जाए साइड में। सबसे पहले तो मैं वीडियो ही बनाऊंगा। लेकिन यार बस और कुछ 8-10 दिन ही बचे एग्जाम, तो उसके बाद तो कंसिस्टेंटली रहूंगा ही मैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई रहेगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और फ्यूचर एपिक्स लेजेंड्स मोबाइल या फिर एपिक्स हीरोज आप जो कहना चाहते हो कह सकते हो, तो उनके अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पे आज के वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।